सभी को मेरा नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि सत्र 2021-22 के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन हो चुका है और सभी बच्चों का स्कॉलरशिप ऑनलाइन किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप फॉर्मेट बी की प्रविष्टि कर सकते हैं और फॉर्मेट बी को अपलोड कर सकते हैं, और साथ ही यदि फॉर्मेट बी के प्रविष्टि में या फिर अपलोड करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है और आप संशोधन करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से आप संशोधन कर सकते हैं, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में schoolscholarship.cg.nic.in टाइप करके सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद आपको अपने आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन हो जानी है। लॉगिन होने पर इस तरह से आपके सामने आपके विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको पंजीयन 2021-22 में क्लिक करनी है। क्लिक करने पर आपको इस तरह से बहुत से टैब्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें देखिए आपको पांचवा नंबर टैब दिया गया है सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी प्रविष्ट करें, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए शैक्षणिक वर्ष लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर लिखा है क्या आप सारांश में संशोधन करना चाहते हैं, तो इसको पहले बार फिलअप कर रहे हैं तो आपको इसको नहीं पर ही रहने देना है। फिर यहाँ पे आपका शाला का डाइस कोड लिखा होगा, यहाँ पे शाला का प्रकार और शाला का नाम लिखा होगा। यहाँ पे लिखा है शाला का पता, तो यहाँ पे आपको शाला ग्राम का पता डाल देनी है इस तरह से। उसके बाद दिया है अगला ऑप्शन पिन कोड, तो यहाँ पे आपको विद्यालय का पिन कोड डाल देना है विद्यालय ग्राम का। उसके बाद यहाँ पे दिया है छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम, तो यहाँ पे छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम भी आपको एंटर कर देनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अगला ऑप्शन दिया गया है मोबाइल नंबर 10 अंकों में प्रविष्ट करें, तो यहाँ पे आपको संस्था प्रमुख का मोबाइल नंबर इस तरह से आपको एंटर कर देनी है, जो प्रभारी है उनका। फिर यहाँ पे दिया गया है आपको ईमेल आईडी प्रविष्ट करें, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी प्रविष्ट कर देनी है इस तरह से। हमें ईमेल आईडी प्रविष्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया है सारांश प्रतिवेदन छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के भरे गए संकलित पंजीयन प्रारूप अनुसार संकलित जानकारी, तो यहाँ पे कैटेगरी आपको दिया गया जनरल ओबीसी एससी एसटी बॉय गर्ल हॉस्टलर नॉन हॉस्टलर और अनक्लियर ऑक्यूपेशन, यानी कि यहाँ पे आपको लड़कों की प्रविष्टि करनी है, लड़कियों की प्रविष्टि करनी है। यदि वह छात्रवासी छात्रवासी पे दिखानी है और गैर छात्रवासी हो गए यहाँ पर अस्वच्छ धंधा, तो इस तरह से आपको फिलअप कर देनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओबीसी वर्ग में 16 बालक हैं, तो यहाँ पे हम 16 बालक प्रविष्ट कर दिए। एससी वर्ग में 7 बालक हैं, तो हमने यहाँ पे 7 प्रविष्ट कर दिया। और एसटी में नहीं है तो यहाँ पे 0 का 0 हमने फिल कर दिया। उसके बाद देखते हैं गर्ल्स की बारी, तो ओबीसी में यहाँ पे 23 गर्ल है, तो यहाँ पे हमने 23 प्रविष्ट कर दिया। और एससी में यहाँ पे 6 गर्ल है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 6 गर्ल की प्रविष्टि कर दिए इस तरह से। अब करने के बाद यहाँ पे देखते हैं, चूंकि ये छात्रवासी नहीं है गैर छात्रवासी है, तो यहाँ पे हम गैर छात्रवासी में क्या करते हैं इस तरह से इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पे संख्या आ जाती है हमारा 39, तो यहाँ पे हमने 39 कर दिया। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ पे फिल कर दिया। यदि आपके मामले में हॉस्टलर है तो आपको हॉस्टलर की संख्या बतानी, कितने बच्चे हॉस्टलर में है। अनक्लियर ऑक्यूपेशन, तो आपको अनक्लियर की संख्या भी यहाँ पे इनरोल करनी है। तो इस तरह से फिलअप करने के बाद आपको एक बार देख लेनी है कि जानकारी फिलअप हो चुकी है। उसके बाद फिर क्या करनी है, नीचे में देखिए आपको टोटल यहाँ पे आपको टोटल को देख लेनी है कि दोनों को मिला करके आपका टोटल योग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर आपको सेव करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव करे पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे कंफर्मेशन नोटिफिकेशन पूछता है, क्या आप सारांश फॉर्म बी में प्रविष्ट करना चाहते हैं, कृपया सुनिश्चित कर लीजिए। तो आपको यस पे क्लिक करना है, कुछ मिस्टेक लग रहा है तो आपको नो करके फिर से फिलअप कर लेनी है। तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से मैसेज आता है कि शाला का सारांश प्रतिवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया। फिर आपको ओके पे क्लिक कर लेनी है। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पुनः इस तरह से स्क्रीन आ जाती है यहाँ पर देखिए। अब यदि कुछ त्रुटि हो गई है और बाद में आप करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप पुनः फॉर्मेट बी को ओपन करते हैं। इस तरह से ओपन करने पर इस तरह से स्क्रीन आती है, तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले से भरी हुई जानकारी इस तरह से डिस्प्ले हो जाती है। देखिए हमारे सामने पहले से भरी हुई जानकारी डिस्प्ले हो गई है। यदि आप इसमें कुछ सुधार करना चाह रहे हैं तो उसको एडिट करके इस तरह से आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि फॉर्मेट बी हम किस प्रकार से अपलोड करेंगे। तो उसके बाद देखिए सबसे आपको पंजीयन 2021-22 में जानी है। लास्ट में दिया है सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी अपलोड करें, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह से पेज ओपन
हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे लिखा हुआ है सटीक वर्ष 2021 2021-22, और यहाँ पर डाई स्कोर चयन करें, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल रहेगा। यहाँ पे लिखा है सारांश प्रतिवेदन का चयन करें। यहाँ पे कहा गया है कि फाइल की जो साइज है वह 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका जो फाइल है वह PDF होना चाहिए या फिर JPEG। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करनी, उससे पहले आपको आपका जो सारांश प्रतिवेदन जो पहले से आप भर के हार्ड कॉपी में रखे हुए हैं उसको आपको फोटो खींच लेनी है या स्कैन कर लेनी है, और उसकी जो साइज है आपको इस तरह से 100 KB के आसपास आपको बनाकर रख लेनी है। फिर जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फाइल ओपन हो जाता है, और जिस फाइल में आपने सारांश प्रतिवेदन पहले से रखा हुआ है वहां से आपको चयन कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमारे सामने ये आ गया सारांश प्रतिवेदन बी, ये हमारा 93 KB का है। फिर इसको आपको इस तरह से चयन करने ओपन कर लेनी है। ओपन करने पर यहाँ पे देखिए फाइल का नाम आ जाता है इस तरह से। फिर आपको ये सारांश प्रतिवेदन अपलोड करने पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से कंफर्मेशन आएगा, उसको आपको यस कर लेनी है। यस करने पर आपका जो सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी है वह आसानी से अपलोड हो जाता है। इस तरह से आपके सामने नोटिफिकेशन आता है कि आपके द्वारा सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। फिर ओके पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए क्रमांक करके दिखाई पड़ेगा, डाई स्कोर दिखेगा, सारांश प्रतिवेदन का नाम दिखेगा। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि आपने सही सारांश प्रतिवेदन भी अपलोड किया है या नहीं किया है। यदि त्रुटि हो गई है तो यहाँ से आप उसको निरस्त भी कर सकते हैं, और पुनः सेम प्रोसेस से आप फिर से नया सारांश प्रतिवेदन भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से सत्र 2021-22 के लिए सारांश प्रतिदिन फॉर्मेट भी को प्रविष्ट कर सकते हैं, और उसका जो फॉर्मेट भी है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।